वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब आपके लिए एक हुंकार सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो भी 15 डेज़ में। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, जुड़ रही हमारे साथ, जिसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपको 15 दिन में कैसे पूरी तैयारी करवाऊँगी, क्या उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसका क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको कैसे तैयारी करूँगी, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स आपका बीएससी मैथ हो या बीएससी बायो, फिज़िक्स दोनों के लिए कंपलसरी है। मैं आपको क्या कराऊंगी, मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी, मैं आपको डेली एमसीक्यूज़ कराती रहूँगी और इतने सारे एमसीक्यूज़ करा दूँगी कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। इससे बाहर मैं जितना करवाऊंगी उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और अदर मैं ये भी बताऊंगी कि आपको जो है इसमें खुद से कैसे करवाना, क्योंकि सिर्फ आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। इतने कम दिन में आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, जिससे मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बस क्वेश्चंस कराऊंगी। तो क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। तो आपको खुद से कैसे करना है, कैसे पढ़ना है आपको खुद से, ये भी मैं आपको बताने वाली। और इस फिज़िक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आपका 11th 12th दोनों से आने वाला है, मोस्टली आपका 12th से ही आएगा, तो दोनों ही में इतने कि इसमें आपका हो जाएगा 14 से 15 लेसन, फिर उसके बाद आपका 12th में भी है। तो इतने सारे चैप्टर्स आप कैसे इतने कम दिन में तैयार करेंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो आपको एमसीक्यूज़ करा दूंगी, उसके बाद आपको खुद से क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको 10 से 12 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इंपॉर्टेंट लेसन्स है, वो आपको यहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ कौन कौन से हैं। तो उसको आप डेली एक प्लान बनाइए, ठीक है। डेली आपको एक टॉपिक एकदम कवर करना है। कवर करने का मतलब ये है कि जैसे पहले आपका 11th में ये मैंने जो सिलेबस लिखा है, 11th और 12th दोनों मिक्स है, ठीक है। आपका पहले आपका आ गया यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमा, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका 2-3 क्वेश्चन हर साल ही आता है, किसी की यूनिट डायमेंशन ये 1-2 क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, यूनिट पूछ देगी या डायमेंशन पूछेगा। उसके बाद दूसरा आपका है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इससे भी आपका 1-2 क्वेश्चन आता है। जैसे इसके फॉर्मूले देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, फार्मूले तो आपको पूरी फिज़िक्स में जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी बस फार्मूला ही पूछ देता है आपसे, ठीक है। उसके बाद है आपका इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, इसमें आपको सारे मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं है, बट इसके कुछ फार्मूलेज हैं जिसको आपको लर्न करना है। उसके बाद आपका चौथा आता है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, इसमें आप देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन हर साल ही पूछता है। मैंने जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स उठाए उनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये एकदम कंपलसरी है। तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए मैं रेड कलर से इंपॉर्टेंट लगाया भी है। उसके बाद आपका आता है वेव तरंग, अब तरंग में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वेव का, तो आप इसको पढ़ना तो सभी को है, लेकिन इसका बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम की चाहिए। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी वैद्युती, ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है आप लोग के लिए, मतलब अगर आप पहले से 11th 12th में आप अच्छे से पढ़े हो तो बेस्ट है आपके लिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इसमें छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट हैं, जिसको जो चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर फोर्स आता है, इसमें बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है। उसके बाद आता है आपका रे ऑप्टिक्स एंड माइक्रोस्कोप, किरण प्रकाशिकी एवं सूक्ष्मदर्शी, इसमें आपको मिरर का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है, माइक्रोस्कोप है, ये सब आपको लर्न करना है। उसके बाद आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर मॉडल और बोर मॉडल, ये थोड़ा आपका ब्रॉड टॉपिक पड़ जाएगा, बट इसके भी फार्मूले हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको लर्न करना है। आपका आ गया उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, अर्धचालक तथा लॉजिक गेट, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आ गया एक्सरे, एक्स किरण,
तो ये सब थे 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि हर साल एकदम कंपल्सरी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अदर्स आपका आ गया, काइनेमेटिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको आते होंगे, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशंस है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके आप फार्मूले डेफिनेशंस और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको तैयार करना है। अब मैं आपको बता दूँ करना क्या है, ये 10 से आपका बचा कितना दिन, 14 दिन। अब इस 14 दिन में क्या करें, जितने मैंने 10 टॉपिक बताए आपको, 10 नहीं जो अदर एक्स्ट्रा बताए, काइनेमेटिक्स है, वर्क एनर्जी एंड पावर है और लॉज ऑफ मोशंस है, तो इस 10 से 14 टॉपिक्स को आप क्या करिए, इसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, फिर डेली प्लान बनाइए कि आपको एक दिन में, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आप उठाए तो एक दिन में आपको यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करना ही करना है, और आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ के यूनिट जो है, जैसे आप पढ़े होंगे जब थ्योरी, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा फोर्स दिया जाता है कि ये सब आते ही आते हैं, आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, उसके फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, उनको आपको देखना है। उसके बाद आप दूसरे डे टू बनाइए, डे टू में आपको ग्रेविटेशन कम्प्लीट करना है, आपको एकदम कम्प्लीट करना है। अब ग्रेविटेशन में कुछ क्या है कि आपको पूरी आप पूरा अगर पूरा लेसन पढ़ने एनसीईआरटी उठा के पूरे अगर लेसन पढ़ने जाएंगे तब तो आपका पूरा दिन ही निकल जाएगा और आप पूरा नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करिए कि आप फार्मूला लर्न कर लें, उसकी जो मतलब बेसिक डेफिनेशंस होते हैं जो एक लाइन की जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट, उस तरह से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया, अगर वेव और इलेक्ट्रिसिटी आपका तैयार है तो आपको 1 से 2 दिन इसमें लग जाएंगे, तो इसके लिए आप 2 दिन रख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी और वेव। तो इसमें से क्या करिए, इसका भी कोई फार्मूला है और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की, बाकी आप मेरे ऊपर डिपेंड हैं। क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत करवाऊंगी, ठीक है, इतने करवा दूंगी कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये था फिज़िक्स का सिलेबस और स्ट्रेटजी, इस तरह से आपको इस 15 दिन में तैयारी करना है, और इतने में ही आपका मस्ट है, आप इतने से इंट्रेंस क्वालिफाई कर जाओगे, बस आपको क्या है, आपको सपोर्ट देना है, ठीक है। आप बस बने रहिए हमारे साथ, हमारी गारंटी है कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाकर ही रहेंगे, ठीक है। तो इतना सा है, बस आप लोग सपोर्ट करिए, और अगर कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं या जो भी है, आप कमेंट करिए, बिला झिझक आप कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो फिर वेट करिए हमारी वीडियोस का, थैंक यू।